आप देश की संसद में तो इस नागरिकता संशोधन एक्ट को पास कराने में सफल हुए, लेकिन आज हिंदुस्तान की सड़कों पर आपकी सरकार इतनी असफल क्यों दिखाई दे रही है? क्यों जामिया से हिंसा की खबरें आ रही हैं जामिया कॉलेज के बाहर से? क्यों नॉर्थ ईस्ट में मामला कई दिनों तक लगभग हाथ से बेकाबू रहा? सड़कों पर आप असफल क्यों दिखाई दे रहे हैं? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि अफवाहों से अमन को अगवा नहीं किया जा सकता, अफवाहों के माध्यम से अमन को हाईजैक नहीं किया जा सकता। नागरिकता एक्ट या नागरिकता जो कानून है, वो नागरिकता कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है, और उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है जिन तीन देशों में लगातार अल्पसंख्यक समाज के साथ जुल्म हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज उनको एक मानवीय संवेदना की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी, और जो अमानवीय अन्याय और अपमान झेल रहे थे उन्हें मानवीय सम्मान देने के लिए ये कानून है। इसको लेकर के जो मैंने शुरू में कहा कि अफवाहों का एक बाज़ार गर्म किया गया, दुष्प्रचार फैलाया गया कि साहब इससे जो है वो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक और विशेष तौर से मुसलमानों की नागरिकता खतरे में आ गई है, उसके पीछे मकसद भी हो सकती है, मंशा भी हो सकती है जिन लोगों ने किया। लेकिन आप 2014 से लेकर के और आज तक 2019 ख़त्म होने जा रहा है, आज तक आप एक भी ऐसा मोदी जी का काम बताइए जिसमें कि मोदी जी के काम को किसी ने, विपक्ष ने और कांग्रेस ने और असदुद्दीन साहब की पार्टी ने सराहा हो। जब मोदी जी ने उज्ज्वला की बात करी, गरीबों को दिया, उसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं हुआ, तो भी उस पर सवाल खड़े किए गए। जब जो है वो मुद्रा लोन के माध्यम से जब जो कमज़ोर तबका था, गरीब तबका था, पिछड़ा तबका था, उसको जो है रोज़गार के लिए मदद की गई, उसमें 37% से ज़्यादा हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज था, तब भी उस पर सवाल खड़े किए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत जब 70 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो कार्ड बनाए गए, उसमें भी जो है वो सवाल खड़े किए गए। 22 करोड़ किसानों को का अगर सॉयल हेल्थ कार्ड बनता है तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए। 8 करोड़ जो किसान सम्मान निधि है, आपको मैं इसलिए क्योंकि आपने ये उसको धर्म से जोड़ा है, जो 8 करोड़ किसान सम्मान निधि है उसमें 31% अल्पसंख्यक समाज के किसान हैं। हमने गिनती नहीं गिनाई कभी, हमने कभी गिनती नहीं गिनाई। सब पर पानी फेर देते हैं जब आप कहते हैं मानवीयता के सम्मान के लिए हम ये शर्त रखते हैं कि तुम मुस्लिम ना। देखिए, यही आपकी शर्त है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक है क्या? क्या अमित शाह साहब ने ये कहा कि मुस्लिम या किसी शब्द का नाम लिया, उन्होंने अल्पसंख्यक कहा? और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक वो समाज है जो बहुसंख्यक नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में आप कहें कि हिंदू अल्पसंख्यक कर दो तो नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं यहाँ पे। इस शर्त, इस दलील पर उनके आपका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि ये तीन मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं, आपको उनकी चिंता इतनी क्यों है कि उसकी वजह से कहा जा रहा है आप देश में भय के फरिश्ते इस वक्त बन गए? देश में तो मैं देश जो मुझे बनाया गया है, शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का भी। रहा सवाल, आपने उनसे सवाल किया, ये चले गए आधार, जन जन धन, क्या क्या। सवाल ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, आप कानून बना सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। दूसरी बात यह है कि इक्वालिटी और मज़हब का जहां पर तसादुम होगा वहां पर इक्वालिटी प्रिवेल करेगा। और तीसरी बात यह है कि मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि जो जामिया मिलिया में कल हुआ, सर वो अच्छा हुआ? आप तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उसका तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है। क्या पुलिस ने अंदर घुसकर लाइब्रेरी में टियर गैस फेंका, टॉयलेट में बच्चों को मारा, बच्चों के हॉस्टल में मारा? यकीनन मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं, मगर आप एक माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और आपकी तरफ से एक बयान भी नहीं आता सर। नहीं, मैंने मुझे मुकम्मल कर लीजिए सर।
चौथी बात मैं आप इनसे पूछ लीजिए, जो आसाम में 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, क्या इनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा इस सीएबी से? और जो 5,00,000 मुसलमान जिनको आसाम के एनआरसी में छोड़ा गया, सेक्शन 6 इस एक्ट में कहता है कि उनके खिलाफ जो केसेस चलेंगे वो अबेट हो जाएंगे, और केस किस पर चलेगा? नॉन मुस्लिम्स पर, मुस्लिम्स पर चलेगा केस? जो हिंदू बंगाली है उन पर तो आप सिटीजनशिप दे देंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। मज़हब की बुनियाद पर आप कानून बनाकर मोहम्मद अली जिना की रूह को खुशी पहुंचा रहे हैं। मुझे इस बात मुझे आप यकीनन जो हिंदू सिख ईसाई जो आए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से, भारत यूनाइटेड नेशन की नॉन रिफोलमेंट प्रिंसिपल को मानता है। रेफ्यूजी और सिटीजनशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आप मजहब की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का, 25 का और 14 का। कौन कह रहा है आपको? उनको दीजिए ना लॉन्ग टर्म वीज़ा दीजिए। अच्छा, एक बात उनसे और एक पूछ लीजिए, एक आखिरी बात, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्या कहा था आईबी ने? और मेरे सवाल पर सरकार कहती है कि हमारे मुल्क में 1,26,000 फॉरनर्स हैं, आपकी सरकार ने 6 साल में कितनों को डिपोर्ट किया? 6 को, सिर्फ 6 को डिपोर्ट किया आपने। मजहब की बुनियाद पर तो आप कानून बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको एनआरसी से जोड़ रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस पर एफआईआर रजिस्टर करेंगी, लड़कियों के हॉस्टल तक वो पहुंचे, क्या कहेगी आपकी सरकार? देखिए, हम सब जो है वो छात्र आंदोलन से निकले हैं, हमने आंदोलन भी किए हैं, धरने भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, और तमाम सवालों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच भी गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी बीच गए हैं, जामिया मिल्लिया में या और जगहों पर। मैंने एक शुरू में बात कही कि अफवाहों से अमन को कहीं ना कहीं हाईजेक करने की कोशिश है, और अभी असदुद्दीन साहब ने जितनी बातें कहीं, ये होगा, ये होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, जो जिम्मेदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह साहब, कह रहे हैं हम ये करेंगे और कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये होगा, यानी इसको कहते हैं अफवाहों से अमन को हाईजेक करने की कोशिश। अफवाह तो ये नहीं करने की कोशिश नकवी साहब, अफवाह तो ये नहीं है कि बच्चों के हॉस्टल में मारा गया, अफवाह तो नहीं है। हम बिल्कुल, हम टॉयलेट में बच्चों को मारा गया, बच्चे की आंख फोड़ी गई, लाइब्रेरी में टियर गैस, ये तो अफवाह नहीं है। किसी भी तरह से हिंसा हुई है, हिंसा का इस समाज में, देश में कोई स्थान नहीं है, यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस पीट रही है, वीडियोस हैं। देखिए, कोई लाठी कैसे छात्रों पर बेवजह चला सकता है? उसमें जांच हो रही है, और जांच हो रही है, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी। जिसको पकड़ना है पकड़िए, जेल में डालिए, आप लाठी कैसे मार सकते हैं? डेमोक्रेसी, देखिए हमारे लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों का एक सिक्के का पहलू है, लेकिन सहमति असहमति के बीच में हिंसा नहीं हो सकती किसी भी तरफ से, ना तो प्रशासनिक हिंसा के हम पक्ष में है, और ना ही जो है वो माँ हिंसा के हम पक्ष में है। आज हमारे देश में जब हम बात कर रहे हैं, आज यूएन की एक रिपोर्ट आई है, यूएन की रिपोर्ट में उसने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात को बताया, आज हम यहाँ पर खड़े होकर के, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं, और मजबूती से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पानी पी पी करके मोदी जी को गाली दे सकते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान में कोई क्या किसी अल्पसंख्यक मुझे क्या इतनी हिम्मत है क्या, क्या, क्या इतनी हिम्मत है क्या कि वहाँ के राष्ट्रपति को, क्या वहाँ के निजाम को बोल सकते हैं? ये है क्या करना है, मुझे क्या करना है? आपके स्पोक्सपर्सन के पाकिस्तान के, हमारे देश में कितना हमको क्या करना रखा गया सर? बच्चों को मारा गया, सही है गलत है बताइए ना सीखने की जरूरत सर? जो बच्चों को मारा गया, आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, सही है गलत है वो बताइए। मैं कहता हूँ जिधर से भी हिंसा हुई है बिल्कुल गलत है, चाहे वो पुलिस की हिंसा रही हो और चाहे किसी और की हिंसा हो, और हिंसा को बढ़ाना देना दुष्प्रचार के माध्यम से, उसको जो है वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करना, अब कुछ लोगों की तो आदत है कि करने में कुछ नहीं धरने में सब कुछ, तो उनका करना कुछ नहीं है, धरना करो। लेकिन आप भी इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हो, और मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपने कुछ ही देर पहले, अब से 15 घंटे पहले, नजमा अख्तर इज अ डिसग्रेस, क्विजलिंग ऑफ द वर्स्ट काइंड, आपने ये रीट्वीट किया साहब। मेरा सवाल, नजमा अख्तर के बारे में आपने कहा, हाँ, कि वो डिसग्रेस है, बिल्कुल है, वाइस चांसलर है, वाइस सवाल मुकम्मल होने दीजिए मैडम, आप भी जामिया के पढ़ी हुई है, मास कम्युनिकेशन की आपने, वाइस चांसलर को बगैर पूछे पुलिस घुस सकती है, वो आज एफआईआर रजिस्टर करा रही है, लेकिन आप भी बेवजह सवाल खड़े करके, वाइस चांसलर कुछ नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि वाइस चांसलर को इंद्रिश कुमार के आशीर्वाद से बनाया गया है,
वाइस चांसलर की को पूरा मालूम था, उसके बाद पुलिस इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करके बिल्कुल आप क्या उसको हकीकत है ये, क्या ये सबसे बड़ा डिस्ग्रेस नहीं है बच्चियों में? अरे बच्चियों को मारा गया लीला लगाकर, वो एफआईआर करा रही है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है? एफआईआर होगा और जब लॉयर का पुलिस का झगड़ा होगा पुलिस धरना देगी कि हम सोशल मीडिया पर आप क्रांति करें, संसद में बोलें, और जब लड़ाई की वक्त का वक्त आए तो बच्चों को आगे कर दिया कौन करे बच्चों को आगे? कोई भी नहीं करे बच्चों को आगे। जितनी क्रांतियां हैं ट्विटर पे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं और जब बच्चों की बारी आती मैडम, है आप मुझे उसमें शामिल मत करिए। मैं रोड पे भी करता हूँ, टीवी पे भी करता हूँ, पार्लियामेंट हर जगह करता हूँ मैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चों को मारा जा रहा है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया में हमारे बच्चों को, जो ये कल जो मुल्क का मुस्तकबिल संभालेंगे, उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, एक बच्चे की आंख फोड़ दी गई, टॉयलेट में घुस के मारते हैं आप लोग, ये इनकी पुलिस है। और जब लॉयर से झगड़ा होता है तो पुलिस चूड़ियां पहन लेती है और पुलिस धरना देती है बेबसी के आलम में। चूड़ियां वैसे कमजोरी की निशानी नहीं है। नहीं मैडम, मैं माफी चाहता हूं, चलिए ये चूड़ियां नहीं पहनते वो लोग, क्या करते भरतनाट्यम करते हैं? कमजोरी कहिए, कावर्डिस कहिए, चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं होती है। बताइए ना, इतना बुरी तरह से वाकया होता है और वाइस चांसलर के बगैर इजाजत के पुलिस घुसती है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं इसमें आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर ने इसकी इजाजत दी कि पुलिस घुसे और आपको ड्रामा कर रही है? वाइस चांसलर को हर बात मालूम है, उनको कोई मॉरल राइट नहीं है उस पद पर रहने का, उनको छोड़ना चाहिए, अगर उनमें जरा सी भी मोरालिटी बाकी है उनको छोड़ के जाना चाहिए जामिया मिलिया को। देखिए मैं एक, वो भी आरएसएस की कठपुतली है, इंद्रिश कुमार आशीर्वाद दिए उनको, चार्ज लेकर जाकर इंद्रिश कुमार के पैर पड़ती है, आशीर्वाद लेती है, तस्वीर है अखबार में देख लीजिए क्या बताते हैं वो, छोड़ दीजिए चलिए वो गलत है, मगर एज अ वाइस चांसलर उनको तो सामने ठहरना चाहिए था ना, रीडिंग लाइब्रेरी में टियर गैस, बच्चों के हॉस्टल में घुस के मारते हैं और माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, अल्फाज से खेल रहे हैं यहाँ पर ठहर कर। एक जवाब इस पे ले लें फिर एनआरसी के मुद्दे पर जाएंगे। सर ये तो आप कोई वैल्यू असेसमेंट, कोई सिचुएशन असेसमेंट आप लोग करते हैं ऐसा कोई कदम उठाने से पहले? क्या आपको एहसास नहीं था नॉर्थ ईस्ट में ये सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट यहाँ भी हो सकता है, मामला बेकाबू हो सकता है, बाद में आप जांच बिठा देंगे? देखिए मैं पहली बात ये कि जो भी मैंने बार बार कहा है, जो भी वहाँ पर हिंसा हुई किसी भी स्तर पर हुई हो वो निंदनीय है, उसकी हम बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में मजम्मत करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है, जैसे हिंदुस्तान के आज़ादी में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कैंपस में बगैर वाइस चांसलर की परमिशन के पहुंच गई। कितनी बार पुलिस जो है वो वाइस चांसलर के परमिशन के बगैर कैंपस में जाती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, हैदराबाद हो। सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्या मतलब पुलिस को जाना चाहिए? आपने आपने इतना सर आप भी इतना जोर दे के कहा, नहीं मैं मजम्मत कर रहा हूं, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं, उसे ओएसी साहब उसकी हम स्ट्रांगली मजम्मत कर रहे हैं, हर तरह के हिंसा की मजम्मत हो रही है। लेकिन दुनिया में ये अजूबा नहीं हो गया है कि पहली बार पुलिस जो है, पुलिस का निजाम और पुलिस के कैरेक्टर आप जानते हैं, पहला ऐसा नहीं है कि कैंपस में, मैं नहीं जानता, आप बताइए ये तो आप, अगर आप बहुत बड़े आदमी अगर आप नहीं जानते तो नहीं जानता हूं मैं सर। जो लोग भी सियासत में रहे हैं वो पुलिस की लाठियां भी उनको लगी हैं, पुलिस ने उन्हें पिटाई भी की है और जेल भी भेजा है। आप अगर नहीं गए तो आप खुशकिस्मत हैं। बच्चों को लाठी पढ़नी चाहिए, नहीं, नहीं, उनके बुरखे खींचे जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं, उनको मारा जाना चाहिए, हॉस्टल में घुसना चाहिए, नहीं ना, ना बच्चों को, एक मिनट, ना तो छात्रों को ये परमिशन है, ये उनको जो है किसी ने कहा है कि आप बसों में आग लगाओ, उनको किसी ने नहीं कहा है कि आप जो है वो हिंसा करो, और ना ही पुलिस को किसी ने कहा है कि आप वहां पर जो है घुस करके बेगुनाह बच्चों को जो है वो आप मारिए। दोनों चीजों का, दोनों हिंसा का हम विरोध कर रहे हैं। नकवी साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके कपड़ों से मालूम होता है, अब आप बताइए आपके कपड़े अच्छे हैं मेरे कपड़े खराब हैं क्या? वैसे मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, मैंने एक बात बहुत साफ कही, दुष्प्रचार के माध्यम से वास्तविक इशू को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए इसके तो आप माहिर हैं, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट नहीं, हल क्या है जो कहा वो सच कहा, वहाँ पे आप ये नॉर्थ ईस्ट को रिलेटेड था, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है ये तो जो कहा उन्होंने आपने सुना, सुनने के बाद उसका आप गोला भाग करते रहिए। आज जो है वो जो नेशनल सिटीजनशिप एक्ट है, उस एक्ट को लेकर के जो दुष्प्रचार हुआ है मैं उस पर कह रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए कि किस मुसलमान को ये डर है कि जो है उसको नागरिकता चली जाएगी,
क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक भी मुसलमान ने एप्लीकेशन दी कि हम पाकिस्तान की नागरिकता चाहते हैं? लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं ने दी है ये एप्लीकेशन, इसलिए वहाँ के अल्पसंख्यकों और यहाँ के अल्पसंख्यकों में फ़र्क है।